सब्जी ले लो, सब्जी आलू ले लो, कद्दू ले लो, घिया ले लो। है भैया आपके पास? घिया है, आलू है, बैगन है, टमाटर है। दिखाना भैया कद्दू। कद्दू कैसे दे रहे हो? कद्दू दे रहे हैं आपको 40 रुपया केजी है। 40 रुपया केजी? हाँ। अरे लॉकडाउन में तो आपने पूरा तबाही मचा रखा है। चलो यार कोई नहीं, खाना है, ऐसे ही चल रहा है। कोई नहीं, अच्छा है किसानों का भला हो जाए। दिखाना कद्दू। ये रहा भाई कद्दू। चलो आधा किलो दे दो यार कद्दू। ओके आपके लिए आधा किलो। घिया कैसे दे रहे हो? घिया 40 रुपया है भाई। 40 रुपया? चलो 1 किलो घिया दे दो। 1 किलो है भाई। और बीन्स? हाँ बीन्स दे दो आधा किलो। लो आधा किलो ही लाया हूँ आपके लिए। घिया सॉरी क्या कहते हैं, टमाटर आधा किलो दे दो। टमाटर 1 किलो है और आधा किलो, चलो 1 किलो दे दे। आलू 1 किलो दे दो। आलू? आलू तो नहीं लाया हूँ सर। आलू नहीं है? प्याज है? लीजिए, अच्छा आपके लिए है। प्याज? प्याज है। प्याज दे दो। कितना रुपया दे रहे हो प्याज? प्याज दे रहा हूँ आपको 85 लगा लूँगा। मिर्ची भी फ्री है? मिर्ची दे दे रहा हूँ। चलो ठीक है दे दो। बोनस है ये? हाँ। मिर्ची भैया जो रेट ले रहे हो किसानों को दे भी रहे हो या नहीं? भाई जो मिल जा रहा है अभी चल जा रहा है ऐसे। चलो भाई। और गोभी लेंगे? गोभी भी दे दो, दे दो। अरे जो है आपके पास दे दो, दो चार दिन के लिए। करेले ले लो, इसे करेले बोलते हैं। हाँ करेले हैं। वो क्या है चीज़ है भैया? अच्छा लहसुन है, दे दो लहसुन भी दे दो, जो है रख दो। ठीक है भैया बस बस रहने दो। अरे नींबू तो ले लो। अरे दे दो। फ्री में दे रहे हो क्या? नहीं भाई फ्री में कैसे दे देंगे यार। चलो 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 दे दो, नींबू भी दे दो, बाकी रहने दो, बाकी रहने दो, बाकी आप और किसी को दे देना, बाकी लोगों को भी ज़रूरत है, रहने दो भाई रहने दो। हेलो देशवासियों, कृपा करके सब्जी खरीदते वक्त ज़्यादा मोल भाव ना करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसानों से डायरेक्ट खरीदने की कोशिश करें ताकि उनको सही रेट मिल जाए और हमारे हर खाने पीने की ज़रूरत किसान की वजह से ही पूरा हो पाता है। आजकल किसान हमारे जो अन्नदाता हैं खेती करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा है। और अभी जो स्थिति है हमारे देश में, क्या पता कल को अगर यह स्थिति लंबा समय तक जाता है हम क्या करेंगे? केवल घर बैठकर खाना खाएंगे? जिसके पास जो है काम करेगा घर पर या तो सो जाएगा, और वो आएगा कहाँ से? किसान अगर खेती करना छोड़ दे और हमारे देश में इतना स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है कि सरकार पूरा साल पूरा देश को खाना खिला पाए, और आगे भी यह सरकार को सोचना होगा कैसे स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट और सही दाम कैसे मिले इस पर भी सोचना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह मैसेज सबके पास पहुंचे और लोगों में किसान के प्रति एक प्रेम भाव जागरूक हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय जवान जय किसान।